नमस्कार, नेहा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम कुट्टू आलू टिक्की बनाएंगे। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने कुट्टू आटा लिया है, इसको हमने भून लिया है। ये हमने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, आलू को हमने मैश कर लिया है। अब हम आलू को बड़े बाउल में डाल लेंगे, कुट्टू आटा भी डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से इसे मिक्स कर लेंगे। इस प्रकार से अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। सेंधा नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसमें हम सेंधा नमक और काली मिर्च ही डालेंगे क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी पेड़ियां बना लेंगे। सारी पेड़ियां बना ली हमने। अब हाथों पे थोड़ा घी लगाएंगे और हम इसे टिक्की की शेप दे देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से टिक्की बनाएंगे हम। हमने बना ली है, प्लेट में रख देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी टिक्की भी बनाएंगे। सारी टिक्की हम इसी प्रकार से बना लेंगे। हमने सारी टिक्की बना ली हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई रखी है, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। टिक्की को हम ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम टिक्की को कढ़ाई में रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम टिक्की को पलट देंगे। इस प्रकार से सारी टिक्कियों को हम पलट देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी की हमारी टिक्की। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से भी हम सेक लेंगे। थोड़ा घी और डाल देंगे। दूसरी तरफ से भी हमारी टिक्की सिक चुकी है। देखिए कितनी अच्छी टिक्की सिकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में।
एक एक करके सारी टिक्कियों को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम बाकी की टिक्कियों को भी सेक लेंगे। टिक्की हमारी सिक चुकी हैं। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सारी टिक्कियां बना ली हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बनी हमारी टिक्की, कितनी फूल गई है हमारी टिक्की। अब हम प्लेटिंग करेंगे, दही डाल देंगे। अब हम इसमें हरी चटनी डाल देंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। ये हम बनाना लिए हैं, इससे हम टिक्कियों को सजा देंगे। इससे टिक्कियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टिक्कियां हमारी तैयार हैं खाने के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी टिक्की बनी है, बहुत ही टेस्टी टिक्की बनकर तैयार हुई है। आप भी बनाइए, खाइए, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि रेसिपी है कैसी लगी।